समलैंगिकता को भारत में अपराध माना जाता है। स्वतंत्रता के हिमायती कहते हैं कि उन्हें अपना साथी चुनने की आजादी होना चाहिए, वहीं कई लोग इसे अपनी संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। हालांकि नैतिकता और कानून देश दर देश बदल जाते हैं। इन्हीं बातों को फिल्म अलीगढ़ के माध्यम से निर्देशक हंसल मेहता ने उठाया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र सिरस मराठी पढ़ाते हैं। अपनी एकांत जिंदगी में वे लता मंगेशकर के पुराने गाने सुनते हैं, दो पैग विस्की के पीते हैं और अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी चॉइस से खुश हैं। बट इन अलीगढ़ देयर इज ओनली वन प्रोफेसर एस आर सिरस। आसपास के लोगों को उनसे जलन होती है, साजिश रची जाती है। एक टीवी चैनल उनका स्टिंग ऑपरेशन करता है जिसमें सिरस एक रिक्शा चालक के साथ आलिंगन करते नजर आते हैं। समलैंगिकता के आरोप में उन्हें रीडर और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। सिरस यूनिवर्सिटी के फैसले को अदालत में चुनौती देते हैं कि समलैंगिक होने की वजह से उन्हें बर्खास्त करना गलत है। तुम लोग ये शब्द के पीछे क्यों पड़े जाते हो? फिल्म का स्क्रीन प्ले रियलिटी के करीब है क्योंकि वास्तविक घटनाओं के आधार पर यह लिखा गया है। हिंदी फिल्मों में आमतौर पर गे को बहुत हास्यास्पद तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन अलीगढ़ में जिस तरह से इस किरदार को पेश किया गया है, हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। फिल्म इस बात को जोरदार तरीके से रखती है कि समलैंगिकों को देखने की दृष्टि में अब बदलाव की जरूरत है। साथ ही यह फिल्म मीडिया की भूमिका और नितांत क्षणों को कैमरे में कैद करने वाले तथा कथित पत्रकारों के खिलाफ भी आवाज उठाती है। सिरस की जिंदगी को थोड़ा विस्तार के साथ दिखाया जाता तो बेहतर होता। आखिर क्यों वे महाराष्ट्र छोड़कर अलीगढ़ आए, विद्यार्थियों के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, इससे फिल्म में और गहराई आ सकती थी। बैचलर आदमी नहीं चाहिए। तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है? अरे होता होगा। हंसल मेहता ने सिरस के किरदार पर खासी मेहनत की है। सिरस के अवसाद, दुख और एकाकीपन को निर्देशक ने लोकेशन और लाइट्स के इफेक्ट्स से बखूबी दिखाया है। किरदारों से ज्यादा सेट और बेजान चीजें बोलती हैं। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक और संवादों का कम उपयोग किया गया है। खामोशी और वातावरण के जरिए उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया है जो सिरस के अंदर चल रही हलचल को सामने लाता है। फिल्म के अंत में शमशान घाट वाला सीन कमाल का है। कभी लव को भी समझने की कोशिश किया करो, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मनोज वाजपेयी का अभिनय हिला कर रख देता है। उनकी आंखें और चेहरे के भाव संवाद से ज्यादा बोलते हैं। अपने अंदर की उदासी और अकेलेपन को वे अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बखूबी पेश करते हैं। निसंदेह अभिनय के स्तर पर यह फिल्म उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। राजकुमार राव खुद बड़ा नाम बन गए हैं, लेकिन हंसल मेहता से रिश्तों के चलते उन्होंने सहायक भूमिका निभाई है। हालांकि उनके ऑफिस का माहौल नकली लगता है, लेकिन अलग सोच रखने वाले पत्रकार की भूमिका उन्होंने अच्छे से निभाई है। छोटे रोल में आशीष विद्यार्थी भी प्रभावित करते हैं। समलैंगिकता ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस की जाए तो कभी खत्म ही न हो, आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में। लेकिन अलीगढ़ इस मुद्दे को कुछ ऐसे सुलगते अंदाज में पेश करती है कि आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।